विच गैस डिफ्यूज एट स्लोएस्ट रेट तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है मालिकुलर वेट पे जिन गैसेस का मालिकुलर वेट हाई होगा वो स्लोली डिफ्यूज़ होंगी गिवन ऑप्शन में एन एच थ्री का मालिकुलर वेट हाई है इसलिए ये स्लोएस्ट रेट रखती है करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम बिकॉज तो प्रेशर कुकर के अंदर चूँकि प्रेशर इंक्रीज होता है तो इसके द्वारा जो वाटर इन्वॉल्व होता है प्रेशर कुकर के अंदर उसका बॉइलिंग पॉइंट भी राइज हो जाता है इस वजह से जो कुकिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इवापोरेशन टेक्स प्लेस एट विच टम्परेचर इफ़ इट इज़ आ लिक्विड तो हम जानते हैं किपोरेशन जो है वह तमाम टम्परेचर्स पे कंटिन्यू रहती है तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी एवापुरेशन कैन टेक्स प्लेस एट जीरो सेंटीग्रेड टू सेवेंटी थ्री सेंटीग्रेड फाइव सेंटीग्रेड एज वेल च गैस डिफ्यूज़ एट हाइस्ट रेट तो हाइएस्ट रेट डिफीन का उस वक्त होगा अगर मालिक्युलर वेट लोएस्ट हो तो इस गिवन ऑप्शन में एन एच का मालिकुलर वेट लो है इस वजह से इसका जो डिफीजन रेट है वो हाइस्ट है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट इक्वल टू वन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इक्वल है वन जीरो वन थ्री हंड्रेड न्यूटन मीटर इसी तरह से सेवन सिक्सटी टॉर भी वन एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है सेवन सिक्सटी एम एम एच जी भी वन एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है तो जो ऑप्शन इक्वल नहीं है वो है ऑप्शन ए सेवन सिक्सटी सेंटीमीटर ऑफ एच जी इज़ नाट इक्वल टू वन एटमोसफेरिक प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एटमोसफेरिक प्रेशर इन एस आई यूनिट इज तो एटमोसफेरिक प्रेशर के अगर हम एसआई SI यूनिट में बात करें तो ये इक्वल होता है वन जीरो वन थ्री टू फाइव न्यूटन पर मीटर तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वन पॉइजी इज इक्वल टू तो पॉइजी जो है विस्कास्टी का यूनिट है और ये इक्वल होता है वन ग्राम पर सेंटीमीटर के करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गैसेस बिकम्स आइडियल एट विच टम्परेचर तो गैसेस जो है वो आइडियल होती हैं हाई टम्परेचर पे और लो प्रेशर पे तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए लो प्रेशर एंड हाई टम्परेचर काजिस द गैसेस टू बिकम्स आइडियल द स्टैंडर्ड टम्परेचर एंड प्रेशर आर तो स्टैंडर्ड टम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू है टू सेवेंटी थ्री कैलवन एंड सेवन सिक्सटीट आर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज तो दो गैसेस का जो मिक्सचर होता है उसका जो टोटल प्रेशर होगा वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर के इक्वल होगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल गैसेस डू नॉट बिहेव एज आइडियल गैसेस एज देयर एग्जिस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स द नेचर ऑफ दिज फोर्सेस आर तो रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस का बिहेवियर शो नहीं करती क्योंकि उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वंडर वाल फोर्सेज करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस एट 400 केल्विन एंड 3.5 एटमॉस्फेयर इज तो डेंसिटी का आप फार्मूला पुट करके इसकी वैल्यू निकाल सकती हैं मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता देता हूँ जो कि है 1.7 ग्राम पर डेसीमीटर विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्रिस्टल कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट तो आयोनिक क्रिस्टल्स की एबिलिटी है कि वो मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लेकिन सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्ट नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वाटर फ्रीजेज एट ज़ीरो सेंटीग्रेड इट्स डेंसिटी डिक्रीज ड्यू टू तो जब वाटर ज़ीरो सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है तो इसकी डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाती है बिकॉज़ जो वाटर की स्ट्रक्चर है आइस है उसके अंदर एम टी स्पेसिस प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से जो उसकी डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है और इस तरह आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती है नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट इज़ ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो एट टू वन तो जहाँ पे गैस कांस्टेंट के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो एटमोसफेरिक डेसीमीटर पर मोल पर कैलवन इसी तरह से गैस कांस्टेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डेसीमीटर एटमोसफेफरिक पर मोल पर कैलवन एटमोसफेरिक डेसीमीटर पर कैलवन पर मोल तो तीनों यूनिट गैस कांस्टेंट के लिए यूज़ किए जा सकते हैं करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रिस्टल इन विच ऑल द लेटेस्ट साइट आर फाउंड टू बी अकोपाइड बाई कोवलेंट मालिक्यूल इज़ कॉल्ड तो ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर जो है वो कोवलेंट मालिक्यूल्स उस लेटेस्ट साइट को चारों तरफ से जो है वो घेरे हुए हों तो उसको हम नाम देते हैं मालिक्यूलर क्रिस्टल्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट आर कार्ड तो एक एलिमेंट की जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं उसको हम नाम देते हैं आइसोमारफिजम का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ डिफियन ऑफ हीलियम व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ मीथेन इज तो जो डिफियन हीलियम की जो डिफियन रेट है वो ट्वाइस हैवी हायर है एज़ कम्पेयर टू मिथेन क्योंकि हीलियम का जो वेट है मालिक्यूलर वेट वो लो है एज़ कम्पेयर टू मीथेन अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफियन इज़ द इस्केप ऑफ गैसेस थ्रू तो इफियन के अंदर जो गैसेस मालिक्यूल्स हैं वो एक किन्नी होल से जो है वो इस्केप होते हैं करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इज कॉल्ड तो जो लिक्विड की इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि फ्लो में रुकावट बनती है उसको नाम देते हैं फिस्कास्टी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड तो जो पार्टिकल्स की स्पॉन्टेनियस या रैंडम मिक्सिंग है उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीज विद तो जैसे ही लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ हो जाता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ए एफ एंड एम जी ओ शोज तो ये दोनों आइसोमार्फिज्म शो करती हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाई ऑक्सीजन हाइड्रोजन क्लोरीन न्योन तो न्योन जो है वो मोनोटामिक है जबकि बाकी तीनों डाई अटामिक मालिक्यूल्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गैस एट ज़ीरो कैलवन तो ज़ीरो कैलवन पे एक गैस जो है उसका वॉलीम ज़ीरो हो जाता है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है द ला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ़ गैसेस एट कॉन्सटेंट टम्परेचर इज कॉल्ड तो वो ला जो कि वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है एट कॉन्सटेंट टम्परेचर वो है बॉयल्स ला करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नॉन वेटिंग लिक्विड फॉर्म्स तो नॉन वेटिंग लिकुड्स जो है वो कन्वेक्स मिनिस्कस बनाते हैं करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी